गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने 11th इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है सिलेबस का जो है हमारी फर्स्ट पॉइंट है द पीकॉक। द पीकॉक को पढ़ेंगे। 11th इंग्लिश लिटरेचर की जो न्यू बुक आई है उसके अंदर जो है फर्स्ट पॉइंट के रूप में द पीकॉक दी हुई है। तो यहां पर पहले हम इसके बारे में जानते हैं। द पीकॉक जो है उसको लिखा है सुजाता भट्ट ने। इसने लिखा है सुजाता भट्ट ने लिखा है। सुजाता भट्ट का जो बर्थ है, जो जन्म है, 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही फेमस राइटर है ये सुजाता भट्ट जो है इंग्लिश के अंदर। सुजाता भट्ट जो है इनको कॉमनवेल्थ प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, यहां पर जो है सुजाता भट्ट जो है इनकी वर्तमान में जो है ये प्रेजेंट में जर्मनी में जो है रह रही हैं और अमेरिका में इनका जन्म हुआ और जो भारत की जो पृष्ठभूमि है उनसे भी ये जुड़े हुए रही। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत सारी जो हिंदी और गुजराती जो राइटिंग है उनका ट्रांसलेशन इन्होंने जो है इंग्लिश में किया है। ठीक है, तो इनकी जो भी राइटिंग्स है, सुजाता भट्ट की जो भी राइटिंग्स है, तो जो भारत का, जो इंडिया का जो एनवायरमेंट है उसका इन्होंने जो है अपनी राइटिंग में यूज किया। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें द पीकॉक के द्वारा वो क्या बताना चाहते हैं इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो पोइम की बात करें तो द पीकॉक, आपको पता है पीकॉक यानी कि भारत के कल्चर के अंदर, इंडिया के कल्चर के अंदर पीकॉक का क्या रोल है सबको पता है। ठीक है, यानी कि बहुत से देवी देवताओं के साथ में पीकॉक को जोड़ा जाता है, पीकॉक का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है पीकॉक के द्वारा के माध्यम से सुजाता भट्ट ने इस पोइम के अंदर जो है यूज किसका किया है, मेटाफर का यूज किया। ठीक है, मेटाफर के रूप में ये पोइम लिखी गई है। जिस तरीके से इसके नाम से हमें पता लग रहा है द पीकॉक, पीकॉक के द्वारा उन्होंने बहुत सी बातें जो है हमें बताने की कोशिश की है। तो यहां पर जो है किस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, भी उन्होंने एक इमेजिनेशन इस तरीके से की है कि किस तरीके से उनको, जब वो बैठे हैं या जिस भी कंडीशन में हैं, उनको एक छवि, एक इमेज जो है वो दिखाई देती है, वो महसूस होती है उन्हें किसकी, मोर के बारे में। ठीक है, पीकॉक के बारे में उन्हें जो है महसूस होती है, लेकिन वास्तविकता में वो उनके सामने वहां पे उपस्थित नहीं है, सामने उनके प्रेजेंट नहीं है वो। ठीक है, लेकिन वो उसको क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उसका वो कि ठीक है कि वो इस तरीके से वो मोर उतरा है, पीकॉक उतरा है। ठीक है, उसकी जो पूंछ है उसकी परछाई जो है वो उसके ऊपर पड़ी है, तो इस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने क्या है, पीकॉक है। और इसके द्वारा उन्होंने जो है मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर यानी कि तुलना करना। ठीक है, कंपैरिजन करना। तो यहां पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं मोर को, पीकॉक को लेकर के वो कंपैरिजन कर रहे हैं। एक मनुष्य का जो जीवन है वो किस तरीके से जीवन जी रहा है, एक तरीके से इस पोइम को अपने इस तरीके से भी मान सकते हैं कि अध्यात्म यानी जो भगवान जो है उसके बारे में भी उसको जोड़ते हुए कई राइटर्स इसको देखते हैं। ठीक है, कई क्रिटिक इसको इस तरीके से भी देखते हैं। तो एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी इस पोइम में ये नहीं कहा है कि ये एकदम जो है भगवान से जुड़ा हुआ है या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी राइटिंग को पढ़ने से या क्रिटिक के द्वारा जो दिए गए कन्वर्सेशन है उसके द्वारा हमें पता लगता है कि ये किस तरीके की पोइम है। एक तरीके से मेटाफर किया है उन्होंने और एक तरीके से उन्होंने जो है अध्यात्मिकता को जो है उन्होंने भगवान को जो है यहाँ पे उन्होंने जोड़ा है। ठीक है, तो इस पोइम के माध्यम से वो जो है हमें इस तरीके से एक छवि, एक इमेज बनाते हैं,
एक माइंड में जो एक छवि होती है, एक माइंड माइंड में जो छवि होती है, इमेज होती है पिको की, उसको वो सेट करते हैं, ठीक है, और उसी के द्वारा वो जो है उसको आगे बताते हैं, ठीक है। इस पोइम को पढ़ने के लिए आपके पास में बुक होगी, उस बुक को कॉल करके आप उसको जो है पढ़ सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे जो है पूरी नहीं लिखी गई है, अभी एक पैराग्राफ इसका और जो है पेंडिंग है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, सुजाता भट्ट की जो ये जो है पोइम है उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं वो आप देखेंगे। His love sarco seems to come from nowhere। यहां पर सुजाता भट्ट कहती है कि उसकी जो है तीखी तेज आवाज जो है वो आई, लेकिन ये पता नहीं है वो कहां से आई, ठीक है। भी वो बैठी है एक जगह पर और उसको कोई आवाज सुनाई देती है, ठीक है। आवाज कैसी है जो है लाउड और शार्प आवाज है, ठीक है। जिस तरीके से आवाज किसकी होती है लाउड और शार्प आवाज किसकी होती है, पिकॉक की होती है, ठीक है। जैसे पिकॉक की इस तरीके से लाउड और शार्प जो है आवाज होती है वो उसको जो है सुनाई देती है, ठीक है, सुनाई देती है, लेकिन कहां से आई है इसके बारे में उन्हें पता नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, देन ए फ्लैश ऑफ टर्कवाइज इन द पीपल ट्री, ठीक है। फिर क्या होता है, एक फ्लैश होता है टर्कवाइज, यानी कि एक ग्रीनिश लिया हुआ, ग्रीनिश लिया हुआ ब्लू टाइप का जो कलर जो होता है किसका, जो मोर का, पिकॉक का जो कलर होता है पंखों का, उसके सेंस में आया है, ठीक है। इन द पीपल ट्री क्या होता है उसके, देन ए फ्लैश ऑफ टर्कवाइज इन द पीपल ट्री, फिर उसे एक फ्लैश, एक रोशनी सी, एक छवि सी दिखाई देती है किसकी, टर्कवाइज कलर की, ठीक है, यानी कि ग्रीनिश ब्लू कलर की जो है, यानी उसके पंखों का जो आभास होता है कहां से होता है, इन द पीपल ट्री, जैसे कि वो कहां से हो, पीपल की ट्री के अंदर, यानी कि पीपल की ट्री से, यानी कि जो पास में एक पेड़ है वहां से जो है उतरते हुए उसको किसकी छवि दिखाई देती है, कैसा दिखाई देता है, मोर की तरह से उसको आभास होता है। अब यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि उसको वो प्रत्यक्ष रूप में जो है दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं है कि उसने अपने आंखों से उसको देख लिया है, लेकिन उसको जो महसूस होता है, क्या महसूस होता है कि एक जो है इस तरीके का टर्कवाइज कलर जो है उसको पेड़ से नीचे, पीपल के पेड़ से नीचे उतरते हुए उसको महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, द स्लेंडर नेक जो है, स्लेंडर यानी कि पतली सी गर्दन, सुंदर सी गर्दन मोर की जो है, आस्क अवी फॉर यू एज ही डिसेंड्स, ठीक है। उसकी जो पतली सी गर्दन है वो आस अभी उससे जो है दूर जाती है, यानी दूसरी तरफ जो है, फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स, जैसे वो नीचे उतरता है, डिसेंड्स यानी नीचे उतरना, जैसे वो नीचे उतरता है, कौन, पिकॉक, पीपल के पेड़ से नीचे उतरता है तो उसकी गर्दन जो है पतली सी सुंदर सी वो क्या है, दूसरी तरफ है, इस तरफ है, दूसरी तरफ है, उसकी तरफ नहीं है, ऐसा वो महसूस करती है, कब, जब वो पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक है। यानी कि इसकी बातें आपको समझ में आई होगी, जो सुजाता भट्ट है वो कहती है कि किस तरीके से उसको तेज आवाज सुनाई देती है, वो कहां से आ रही है ऐसा पता नहीं है, कहां से आ रही है, ठीक है, और उसको क्या महसूस होता है, फ्लैश ऑफ टर्कवाइज महसूस होता है, जैसे कि मोर के पंखों का उसको महसूस होता है, एक जैसे उसकी गर्दन जो है उसने क्या कर रखी हो, दूसरी तरफ मोड़ रखी हो, जब वो क्या कर रहा हो, नीचे की तरफ उतर रहा हो, कहां से उतर रहा हो, पीपल के पेड़ से, ठीक है। एंड एज ही डार्ट्स अवे ए ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ द टेंट, और कैसा लग रहा था, डार्ट्स अवे, जिस तरीके से वो किसी दूसरी तरफ जा रहा हो, ठीक है, दूसरी तरफ देख रहा हो, दूसरी तरफ जा रहा हो, ऐसा उसने महसूस किया, और क्या किया, ए ग्लिम्स यानी एक छवि, एक इमेज ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेंट,
उसके पंखों का एकदम लास्ट का किनारा जो है उसने क्या किया, महसूस किया, उसकी छवि को महसूस किया, जैसे कि वो दूसरी की दूसरी तरफ जो है वो झपट गया हो, दूसरी तरफ वो चला गया हो, लेकिन जाते हुए उसको लास्ट में क्या दिखाई दिया, उसके टैल का लास्ट का किनारा यानी कि उसने महसूस किया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना उनके मन में क्या है, एक इमेज सेट हुई हुई है, एक ग्लिम्स जो है, एक छवि जो है वो बनी हुई है पिकॉक के बारे में। ठीक है, भी पिकॉक ऐसा सुंदर पिकॉक होता है, इस तरीके से उसके पंख होते हैं, उस तरीके से उन्होंने वो सब को अपने माइंड में सेट किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या है, महसूस कर रही है कि ये क्या है, ये एक पिकॉक है। ठीक है, ये क्या है, पिकॉक है, इस तरीके से उन्होंने इसको जो है डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट देखो, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, I was told that you have to sit in the barn. कि आपको कहाँ पे बैठना है? Have to sit in veranda and read a book. और क्या करनी है? एक बुक पढ़नी। एक बुक पढ़नी। ठीक है? भी बरंडे के अंदर या जैसे घर के अंदर जो है बरंडा वगैरह बना होता है, बरामदा वगैरह बना होता है, उसके सेंस में आया कि वहाँ पे बैठ करके वो क्या कर रहा है? बुक पढ़ना। नेक्स्ट कहता है प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। बुक कौन सी प्रेफर करनी है आपको? बुक कौन सी प्रेफर करनी है आपको? वो बुक प्रेफर करनी है जो क्या हो, फेवरेट हो, आपकी बुक जो आपको फेवरेट बुक्स है उनमें से एक बुक हो, विद ग्रेट कंसंट्रेशन, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, एकदम पूरी तरीके से ध्यान लगा करके आपको क्या करना है, उस बुक को पढ़ना, जैसे उनको बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट, द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, जिस वक्त आप क्या कर रहे थे, उस बुक को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, शुरू कर रहे थे या आपने शुरू किया, ए ब्लू शैडो विल फॉल ओवर, एक जो ब्लू शैडो जो है वो क्या हो गई, उसके ऊपर गिर गई। ठीक है, यानी कि फिर उन्होंने क्या महसूस किया कि जिस तरीके से ब्लू शैडो है किसकी, पिकॉक की, उन्होंने उसको किसके ऊपर महसूस किया, जब वो उस बुक को पढ़ रहे थे उसके ऊपर उन्होंने महसूस किया। ठीक है, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और जो विंड थी, जो हवा थी, उसने क्या कर दिया, दिशा को चेंज कर दिया। ठीक है, हवा की दिशा को चेंज कर दिया, किसने चेंज कर दिया, जब वो शैडो यानी कि जो मोर नीचे उतरा, जो पिकॉक नीचे उतरा, तो उसकी गति से जो है हवा को डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। द स्टडी ऑफ बीज, द स्टडी ऑफ हम ऑफ बीज, यानी कि जो मक्खियों की बनबनाहट थी, भिनभिनाहट थी, जो मक्खियों का समूह था, ठीक है, इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, उन्होंने क्या कर दिया, जो पास की झाड़ियों में वो बिल्कुल क्या हो गई, स्टॉप हो गई, बिल्कुल रुक गई। द कैट विल अवेकन, जो कैट थी वो अवेकन हो गई, जाग गई, सचेत हो गई, एंड स्ट्रेच, ठीक है, और जो वो क्या लेने लगी, अंगड़ाई जो है वो लेने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी जो भी टेक्स्ट दिया था उसको हमने पढ़ा। ठीक है, भी किस तरीके से सुजाता भट्ट ने द पिकॉक के द्वारा हमें समझाया, भी किस तरीके से उसने छवि को महसूस किया, किस तरीके से वो ऐसे बुक पढ़ रही थी, या इस तरीके से उन्होंने ये पूरी पोएम अपनी पढ़ी। ठीक है, तो इसको जो क्रिटिक किस तरीके से लेते हैं या इसको अपने और किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, वो अब अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है उन्होंने बताया, हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर देन ए फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन द पीपल ट्री, कि जो एक आवाज जो होती है, एक अंतर आत्मा की जो आवाज जो होती है, ठीक है, कि जब भी हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो हमारे मन में हम विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारे मन के अंदर हम अच्छे बुरे सभी वर्क करते हैं, तो हमारे मन में कहीं से कहीं क्या है, आवाज आती है। ठीक है, तो वो आवाज कहाँ से आ रही है, उसने कुछ आवाज को महसूस किया, लेकिन वो कहाँ से आ रही है उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, कि वो कहाँ से आगे उसने क्या महसूस किया, कि पीपल के पेड़ से क्या हुआ, कुछ उसने फ्लैश, कुछ रोशनी जो है महसूस की, किसके बारे में, टर्कोइज के, यानी कि जो कलर था ग्रीनिश ब्लू कलर, वो उन्होंने महसूस किया। ठीक है, तो ये जो पंख थे, ठीक है, उसी को उन्होंने क्या किया, इसके साथ में जोड़ दिया, कि इस तरीके, यानी कि किसी न किसी संकेत से हमें वो जो है बताने की कोशिश करते हैं, हमने उन संकेतों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो हमारी समझ की बात है। अब वो कहता है कि वो जो
मोर जो है ना, जो पिकॉक जो है वो हमसे क्या कर लेता है, दूसरी तरफ चला जाता है उतरता हुआ, ठीक है, और हम उस चीज़ को जो है कैच नहीं कर पाते हैं, यानी कि उस चीज़ के साथ जुड़ना, अगर हम उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, उस आध्यात्मिकता के साथ मान लो, चाहे गॉड के साथ मान लो, आत्मचिंतन के बारे में मान लो, अगर हम उस चीज़ के साथ में जुड़ाव नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमसे दूर चली जाएगी, ठीक है। आगे वो कहता है कि इसके लिए मुझे कहा गया था, यहाँ सभी जो है उसकी लास्ट तक जो है वो चली जाएगी, इसके बारे में आया, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जब हमारे हाथ से सारी बातें जो है वो निकल जाएगी। आगे वो कहता है कि ये सब जानने के लिए मुझे कहा गया कि मुझे क्या करना है, एक बुक को पढ़ना है। कौन सी बुक को पढ़ना है? ऐसे बुक को पढ़ना है जो हमारी पूरी जो कल्चर्स हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति वगैरह, भगवान, उसके बारे में जानने के लिए मुझे बुक पढ़ने के लिए कहा गया। कौन सी बुक जो मेरे को फेवरेट हो, और लेकिन कैसे पढ़ना है, एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना, ठीक है। जब भी मैं ऐसा करता हूँ तब मुझे क्या महसूस होता है, उसने कहा इसमें ध्यान लगाया तभी मुझे जो है वो ब्लू शैडो जो है वो मुझे दिखाई दी। ब्लू शैडो एक कामनेस जो है, शांति का जो प्रतीक जो है, उसके रूप में भी अपने इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे जो है उसके ऊपर जो है वो गिरा, यानी मैंने उसको महसूस किया, मुझे जो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, उस बुक को पढ़ने से, जो हमें किसके बारे में बताएगी, चाहे वो धार्मिक बुक हो, चाहे कि कोई और भी बुक हो, तो उससे मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हुई, वो उसकी छाया जो है मेरे ऊपर गिरी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो नीचे गिरा, नीचे की तरफ उतरा पिकॉक जो है, उससे क्या हुआ, विंड जो थी, जो हवा जो थी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, जो सोच विचार से अपने इसको ले सकते हैं वो क्या हो गई, बदल गए। तो स्टडी हिम्स ऑफ बीज, जो मक्खियों का जो झुंड है हमारे आसपास, ठीक है, यानी लोग कैसे हैं, मक्खियों की झुंड की तरह, जैसे वो अपना अपना वर्क करते चले जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, एक तरीके से अपने जो है ग्रुप के अंदर वो इस तरीके से करते रहते हैं, ठीक है, मक्खियों के रूप में भिनभिनाते रहते हैं। वो क्या हो गए, इन द बसेस नियर बाय स्टॉप, वो स्टॉप हो गए, वो रुक गए, किसकी अनुभूति से रुक गए, वो पिकॉक की अनुभूति से रुक गए, ठीक है। जब उनको आभास हुआ कि जो पिकॉक जो है वो आ रहा है, तब उन्होंने क्या हुआ, वो वहीं पर रुक गए। द कैट विल अवेकन एंड स्टेज, जो कैट जो थी वो अवेकन हुई, जागी, ठीक है, अगड़ाइयाँ ली उसने, ठीक है, यानी कि कैट, यानी कि एक तरीके से जैसे अपना परिवार के अंदर एक व्यक्ति है, वो पूरा जो है उन बातों में डूबा रहता है, अपने परिवार की जरूरतें पूरे करने के अंदर, ठीक है, या जो भी कल्चर उन्होंने जो आदर्श बनाए हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकते हैं। तो जिससे ये ज्ञान की जब प्राप्ति होगी, ठीक है, तो वो उसमें भी क्या आ जाएगी, एक तरीके से जागृति जो है वो आएगी, वो उसके बारे में जानेगा, ठीक है। इसका एक पैराग्राफ और बचा है, ठीक है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन एंड इफ यू लुक अप इन टाइम यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज स्टेप। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, भी कुछ चीज जो है कुछ हुआ जिससे क्या हुआ, उसने आपके ध्यान को, आपके अटेंशन को क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। एंड इफ यू लुक अप इन टाइम, अगर आप उसी समय जो है उसको देखते हो भी क्या, किसने उसके अटेंशन को तोड़ा है, अगर आप उसी समय उसको देखते हो अपनी नजरें उठा करके, यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज स्टेप, कि जो पिकॉक जो है वो आपसे दूर जा रहा है, अपनी जो टेल है, अपने जो पंख है उसको समेट करके, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से मोर जो होता है, पिकॉक जो होता है, वो नाचता है, अपने पंखों को खिला करके पूरी तरीके से नाचता है, तो उसके सेंस में आया है कि जब वो नाच रहा होता है, ठीक है, तो क्या है, आपकी अटेंशन वो अपनी तरफ लेता है, अपना आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, और बाद में वो क्या करता है, उन सबको समेट करके चला जाता है, ठीक है। तो उसके सेंस में आया है कि इसी तरीके से गॉड क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, विभिन्न तरीकों से कोशिश करते हैं, जब हमारी संस्कृति है, हमारे विचार हैं, ठीक है, पूर्वज हैं, उस तरीके से, लेकिन हम उस टेंशन से टूट जाते हैं और वो मोर हमसे दूर चला जाता है, यानी वो शक्ति, वो ज्ञान, वो नॉलेज हमसे दूर चला जाता है। टू सेट दोज डार्क ग्लोविंग आईज वॉयलेट फ्रिंज विथ गोल्डन एम्बो, इट इज द टैप दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन।
ठीक है, टू सर दोज डार्क ग्लोविंग आईज, यानी कि जो डार्क ग्लोविंग आईज है, ठीक है, जो आंखें हैं किसकी, मोर की, मोर जो पीकॉक है उसके लिए कहा जाता है कि वो सामने जो है अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उससे सामने आंखें से आंखें नहीं मिलाता है, ठीक है, वो अपना मुंह फेर लेता है, इस तरीके से कहा जाता है। तो यही सेंस इसके अंदर आया है कि वो क्या कर लेता है, अपनी उसकी जो डार्क आईज है, ठीक है, वो वॉयलेट फ्रिंज्ड विद गोल्डन एम्बर, ठीक है, और उसके जो पंख है, उसका जो शरीर है, वो एक तरीके से कैसा लग रहा है, एकदम वॉयलेट कलर का, और कैसा, गोल्डन एम्बर है, ठीक है, एकदम सोने से कलर का, जो सुनहरे कलर का जो पत्थर है पीला पर लिए हुए, उसकी तरह से उसका शरीर जो है वो लग रहा है, अपनी आंखों से वो दिखाई दे रहा है। इट्स द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फोर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, ठीक है, उसकी टेल जो है वो हमेशा जो है किस तरीके से एकदम खुली आंखों से जो है हमें देखना पड़ता है, यानी उसके पूरे शरीर को, उसकी अनुभूति को हमें किस तरीके से देखना पड़ेगा, खुली आंखों से देखना पड़ेगा। यानी इस सेंस से अपने इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हमें गॉड की प्राप्ति करनी है, अगर हमें जो है आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉड से जो है वो देखना पड़ेगा, अपनी खुली आंखों से देखना पड़ेगा, उन्हें महसूस करना पड़ेगा, उनके ज्ञान को हमें प्राप्त करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें ये पोइम पढ़नी है, इस तरीके से हमने जो है इसके पूरे टेक्स्ट के साथ में इसको पढ़ा, एक दो बार इसकी दोबारा जो है आप रीडिंग लगाना, जिससे क्या होगा, ये जो है पोइम आपकी क्लियर हो जाएगी।